अपेक्षित होती है कि सुख कैसे प्राप्त हो, और यह सुख ऐसी वस्तु है कि सभी चाहते हैं, छोटा भी, बड़ा भी, मूर्ख भी, विद्वान भी, गरीब भी, अमीर भी, प्रजा भी और राजा भी, सभी चाहते हैं। सुख की अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति को है। विचार करना है क्या मिल गया है, अगर नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा। सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम्। वेदव्यास जी कहते हैं, अरे मनुष्यों, यदि तुम्हें सुख की कामना है, वास्तविक सुख चाहिए तुम्हें, धर्म के सिवाय अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कोई यदि यह कहता है हमें सुख मिल गया है, रोटी कपड़ा मकान से सुख मिल गया है, ऐसे आप लोगों के नेता लोग कह देते हैं रोटी कपड़ा मकान दे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी कामना और आपकी चाहना तो बनी ही रहती है,
तो सुख कहां मिला, उसे सुख नहीं कहते। सुख धर्म से प्राप्त होगा। संसार के जितने साधन संसाधन प्राप्त हुए हैं वो देह के लिए प्राप्त हुए हैं, शरीर के लिए प्राप्त हुए हैं, वो चाहिए चाहिए। मकान भी चाहिए, ये निर्माण हुआ है, नया निर्माण हुआ है, लोगों के निवास के लिए ये भी चाहिए। इसके बाद भी जो हमारी कामना बनी हुई है वो क्या, वो तो हमारे सुख को खंडित करती है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न। कंकर पत्थर भी बहे जा रहे हैं, पत्ता भी बहा जा रहा है, लकड़ी भी जा रही है, वृक्ष भी जा रहे हैं, नाव भी जा रही है, जीवित पुरुष भी जा रहा है, मृत पुरुष भी जा रहा है, सब उसमें जाकर के समुद्र में समाहित होते जा रहे हैं। इसी में से हमें पकड़ लेना है, इसी प्रवाह में से हमें पकड़ लेना है। कैसे पकड़ेंगे हम उसको, कैसे पकड़ पाएंगे? यदि हम उपाय जानते हैं तो निश्चित है कि पकड़ पाएंगे, और यदि उपाय नहीं जानते हैं तो पकड़ते रहेंगे लेकिन पाएंगे नहीं, पकड़ते रहेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। रथिनम विद्धि शरीरम रथ में वही बुद्धि तुचारितम बुद्धि विद्धि मन प्रग्रह में वच। नचिकेता, शरीर को रथ समझ लो, परमात्मा को सारथी समझ लो, मन को लगाम समझ लो, बुद्धि को सारथी समझ लो और इंद्रियों को घोड़े समझ लो। इस शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी है, यानी इसका मालिक है, बुद्धि इसमें सारथी है, मन इसमें लगाम है और पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां इसको इसके घोड़े हैं, जो शरीर को ढोते हैं, शरीर को ढोते हैं। आंख दो घोड़े हैं, कर्णेन्द्रिय दो घोड़े हैं, नासिका घोड़ा है, हाथ पैर आपके जितने भी अंग हैं ये सब शरीर रूपी रथ में जुटे हुए हैं और शरीर को ढो रहे हैं। नेत्र सुंदरता की ओर ही ले जाता है, कर्णेन्द्रिय शब्द की ओर ले जाती है, नासिका घ्राण की ओर ले जाती है, जीभ को गुलाब जामुन ही चाहिए, पैर चलना ही चाहते हैं, हाथ लेन देन करना चाहते हैं, त्वच आलिंगन करना चाहती है, इसी तरह से गुप्त इंद्रियां, सब इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, वो अपने अपने विषयों में अनुरक्त रहती हैं। इन इंद्रियों की अनुरक्ति उन उन विषयों में है। आंख को गुलाब का फूल ही अच्छा लगता है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप भगवान को नहीं देख रहे हैं आंख से, क्योंकि आपको सुंदरता ही प्रिय है। यदि आपने परमात्मा में सौंदर्य माधुर्य का अभिनिवेश कर लिया तो आप अपने नेत्रों से परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा के दर्शन का स्वरूप यही है। मंदिर क्यों जाते हैं आप लोग? इसलिए मंदिर जाया जाता है कि हमारी आंखों से वह परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम अपने नेत्रों को कैमरा बना करके भगवान की मूर्ति का दर्शन करके प्रातः काल उठकर ध्यान करते हैं कि जैसी मूर्ति कल हमने मंदिर में अपने नेत्रों से देखी थी वैसी ही मूर्ति हमारे मन मंदिर में विद्यमान है। एतदर्थ मंदिर जाते हैं, ये मंदिर जाने का कारण है। राजा के बिना देश नहीं होना चाहिए, राजा के बिना प्रजा नहीं होना चाहिए, राजा के बिना प्रजा उद्दंड हो जाती है, धर्मानुकूल कार्य नहीं करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, राज्य धर्मणि धर्मिष्ठा। हमारे देश का राजा धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, हमारी संस्कृति संस्कारों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, गो माता की रक्षा करने वाला होना चाहिए, हमारी जो कुल परंपराएं हैं उन परंपराओं का पालन करने वाला राजा होना चाहिए, क्योंकि
राजनीति कितनी भी दूषित हो जाए, लेकिन यह बात तय है कि राजनीति और राजनेताओं के साथ लाखों लोगों का संबंध होता है। जिस नेता के साथ लाखों लोगों का संबंध है और यदि वह नेता धार्मिक हो जाता है तो उसके पीछे पीछे चलने वाली प्रजा भी अपने आप धार्मिक हो जाए। यही ये सब नीति है, चाणक्य के वचन है, ये विदुर नीति है, शुक्र नीति है, राजनीति है। राजनीति को लोग दूषित समझते हैं, राजनीति शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं और राजनीति करने चल पड़े। इसलिए ये सब ज्ञान, धर्म ज्ञान, राजनीति का ज्ञान जिनको होता है वही राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। नीति शब्द नीति माने धर्म होता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो कृष्णे यत्र पार्थो धर्मधरः तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ध्रुवा नीति, नीति माने धर्म, नीति ही धर्म। और राज यानी जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए उसको राजनीति कहते हैं, उस राजनीति से जिसका संबंध है उसको राजनीतिक कहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, मैं मनुष्य ही क्यों बना हूँ, मुझे अच्छे माता पिता क्यों मिले, मैं अमीर क्यों बना, मेरा पड़ोसी गरीब क्यों बना, यह चिंतन सुख प्रदान करेगा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जो प्रत्येक वस्तु फलवान है तो मनुष्य होने का भी फल है कि हम अपने उपादान कारण को जाने। उपादान कारण माने जहां से हमारी उत्पत्ति होती है। हम हैं, इसमें तो कोई संदेह किसी को है नहीं। कोई भी व्यक्ति मैं हूं, इसमें तो उसे कोई संदेह नहीं। जानना क्या, जानना यह है कि मैं कौन हूं। मैं पशु नहीं हूं, मैं मछली मेंढक नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। तो मनुष्य क्यों हूं, ये क्यों, मनुष्य होने के कारण को खोजना ही इस मनुष्य देह का फल है। आपने आम का झाड़ लगाया, आपके पिताजी ने लगाया या दादाजी ने लगाया, तो उसका क्या कारण है, उसका आम से फल मिलेगा नहीं मिलेगा, फल तो छाया मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, पत्ते मिलेंगे, छाल मिलेगी, मिलेगा ये फल, देह धारण करने का फल। उसको जानना, उसको जानना ही जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अरे मनुष्यो, तत्व जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया गया है। बाकी सब तो देह के साथ जो आनुषांगिक अंग हैं, उनकी पूर्ति के लिए मकान दुकान है, जमीन है, व्यापार है, खेती है, तो सभी को चाहिए, महात्माओं को भी चाहिए। आश्रम बना लोगे तो बिजली का बिल तो आएगा ना, तो महात्मा को भी चाहिए। जुड़ना नहीं है किसी से, संबंध नहीं बनाना है, संबंध परमात्मा से बनाना है और इन सबका व्यवहार करना है। जितना आप परिवार से संबंध बनाओगे, यावतः कुरुते जंतु संबंधा मनसप्रियान, जितनी रिश्तेदारी बढ़ाओगे उतने दुख के फूटे अपनी छाती में गड़ाओगे। कैसे, जैसे गोपालक जितने बछड़े होते जाते हैं एक एक कुंडा गौशाला में बढ़ाता जाता है।